हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा टॉप फोर 125 सीसी बाइक्स अपकमिंग इन इंडिया, जो कि 125 सीसी की एक स्पोर्ट्स बाइक होंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग स्पोर्ट्स बाइक पसंद करते हैं। क्या वजह है, क्या रीज़न है कंपनियों का ऐसा करने का, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। आप लोग ये बात तो जानते हो कि 150 सीसी की भी बाइक अब इतनी ज़्यादा हायर हो गई है, जो कि 1 लाख रुपीज़ के आसपास पहुँच जा रही है। गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा रही है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं कंपनी लॉस में जा रही है। तो उसी को नज़र में रखते हुए कि कंपनी एक 200 सीसी बाइक का, चाहे 150 सीसी का बाइक का लुक आपको दे रही है एक 125 सीसी के इंजन में, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस बाइक लिस्ट में है टीवीएस अपाचे 125। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक आप लोगों को ओल्ड मॉडल वाली ही देखने को मिलेगी, जो अपाचे आरटीआर आती है 160 180, उसका लुक होगा। आप लोग 4V का मत समझिएगा, 4V का लुक आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग ये बात भी दिमाग में बिठा लो कि देखो, KTM अपनी बाइक लेकर आ चुकी है 125 RC, ड्यूक बजाज भी लेकर आ गई है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन देने के लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनियां अपनी बाइक्स 125 सीसी की निकालेंगी, ठीक है, चाहे वो थोड़ा लेट करके निकाले बट निकालेंगी ज़रूर। इस बाइक में आप लोगों को 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, 13 BHP का मैक्सिमम पावर और 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा पावर और टॉर्क है एक 125 सीसी की उसमें। टॉप स्पीड की बात अगर करूँ तो ये लगभग आप लोगों को 110 चाहे 120 तक की मैक्सिमम स्पीड दे सकती है बाइक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ इसका प्राइस होगा। लगभग आप लोगों को अपाचे आरटीआर 125 सीसी 65,000 से लेके 75,000 तक देखने को मिलेगी। इस बाइक को वैसे ऐसी न्यूज़ आई है कि ये मार्च 2020 में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेकेंड बाइक की तरफ। ये एक फुल्ली फ्रेम बाइक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शायद आप लोगों को पसंद आ सकती है। ये है होंडा CBR 125। ये भी आप लोगों को बहुत जल्द इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। वैसे ये इंटरनेशनली भी सेल परचेज होती है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस भी है वहाँ पर, बट देखना है कि ये इंडिया में कब तक लेकर आ रही है। इंडिया होंडा वैसे उतना ज़्यादा तो काम नहीं कर रहा है इस बाइक पर, बट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकती है मार्केट के हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से। इस बाइक में आप लोगों को फुल्ली फ्रेम बाइक देखने को मिलेगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मींस आप लोगों को जैसे CBR 125 देखने को मिलती है, ये एग्जैक्ट वैसी ही होगी। बस आपको थोड़े बहुत जैसे लाइक डुअल डिस्क की जगह आप लोगों को सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिले, ABS ना देखने को मिले, चाहे ऐसे करके फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस बाइक में आप लोगों को 13.1 BHP का मैक्सिमम पावर और 10.41 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाइक लगभग टॉप स्पीड पकड़ लेती है 125 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड। माइलेज आप लोगों को 35 से लेके 40 तक देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। 13 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि शायद इस बाइक इन सेगमेंट में सबसे ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों को इस बाइक में का लगभग प्राइस पड़ेगा 1 लाख एक शोरूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ये फुल फेयर बाइक होगी, इसलिए आप लोगों को 1 लाख में देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताना कि आप CBR लेना पसंद करोगे अगर 125 सीसी आएगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी थर्ड बाइक की तरफ, जो कि है यामाहा की तरफ से। ये है अभी काफ़ी अच्छा एक यूनिक लुक में ये बाइक यामाहा ने अपनी तरफ से पेश करी थी, MT-15। बिल्कुल आप लोगों को डिट्टो इसका सेम लुक देखने को मिलने वाला है इंडिया में बहुत जल्द, MT-125। वैसे तो 16 अक्टूबर को इंटरनेशनली ये यूरोप में लॉन्च होने जा रही है, बट उसके और इस जो इंडियन में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ आप लोगों को डुअल डिस्क देखने को मिलेंगे, फिर आपको USD फोक देखने को मिल जाएंगे। बट इंडिया में प्राइस कटिंग करने के लिए यार बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को हटा सकते हैं। लाइक लुक तो आप लोगों को ऑलमोस्ट इतना मिलेगा, डुअल डिस्क ब्रेक की जगह सिंगल डिस्क ब्रेक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोगों को बाइक में ऑयल कूल आता है MT-15 में, बट आप लोगों को एयर कूल्ड देखने को मिलेगा। इंजन आप लोगों को 124.7 सीसी का देखने को मिलेगा, 15 BHP, जो कि सबसे ज़्यादा होगा शायद आप लोगों को 125 सीसी के सेगमेंट में। 12 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ। बाइक का प्राइस लगभग 1 लाख के आसपास आएगा, क्योंकि यार ये एक परफॉर्मेंस बाइक है, तो ऑब्वियस सी बात है इतना तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, इतना ही मिलेगा 1 लाख के आसपास। और एक शोरूम देखते हैं ऑन रोड आते आते कितना हो जाता है। इस बाइक में आप लोगों को हाई स्पीड देखने को मिल जाएगी 125, मतलब ये जो 125 सीसी की बाइक है ना, लगभग मैक्सिमम अगर कोई जाएगी तो 130 तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जा पाएगी। जो कि इस बाइक में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को VVA टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखने को मिलेगी प्राइस कटिंग में। मीटर कंसोल जितने भी जो भी चीज़ें फुल्ली LED आप लोगों को देखने को मिलेगी। लॉन्च डेट आप लोगों को ये बाइक 2020 में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग MT-15 लेना पसंद करोगे या उस कम प्राइस में आप लोगों को वैसा लुक मिल रहा है 125 सीसी में, तो आप लोग वो लेना पसंद करेंगे।
अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ नंबर बाइक पे, ये है FZ125, मतलब वर्जन FZ150 का जो आप लोगों ने वर्जन 2 देखा है उस लुक में आप लोगों को ये बाइक अवेलेबल कराई जाएगी कंपनी की तरफ से। इस बाइक का तो खैर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकला, बट जितना मुझे मालूम है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस बाइक में भी आप लोगों को 124.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। जो वर्जन 3 आया उसमें भी आप लोगों को अभी तक ऑयल कूल्ड इंजन नहीं मिलता है, उसमें आपको एयर कूल्ड ही देखने को मिलता है। पावर 20 bhp का मिलेगा, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। आप लोगों को शायद हो सकता है कि इसमें आप लोगों को सिंगल डिस्क ब्रेक देखने को मिले प्राइस कटिंग की वजह से, और इस बाइक का प्राइस लगभग आप लोगों को 75 से लेके 80,000 ऑन रोड आते आते लगभग हो जाएगा। अप्रैल 2020 में आप लोगों को ये बाइक देखने को मिलेगी। कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को इनमें से कोई भी एक बाइक पसंद है, या फिर आप इनमें से कोई भी एक बाइक परचेस करना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो यार आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरीज हो आप लोग मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।